शाम को 7:20 हुआ है और मेरा नाम है राकेश। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मोबाइल टेक आर के विश्वा। तो ये मेरे हाथ में दोस्तों आज ये Redmi 3S है जिसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है, तो आपको मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे ये 2-3 पार्ट्स यहाँ से हटाया गया है, शॉर्टिंग के कारण हटाया गया है। तो ये फ़ोन बाहर से आया है और इस पे फ़ोन पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, देखिए राकेश जी मेरे यहाँ भेजा गया है इसे रिपेयर होने के लिए। तो इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है, फ़ोन बिल्कुल ऑन है, सारा चीज़ वर्क कर रहा है, पर ये चार्ज नहीं ले रहा है। तो हम इस IC को चेंज करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप, तो ये ब्लैक कलर का बड़ा सा जो IC आपको दिख रहा है उसको हम आज चेंज करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं चेंज करने के लिए, और थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो स्किप नहीं करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। तो ये फ़ोन बिल्कुल ऑन है, अगर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, शायद बैटरी नहीं होगा इसमें, ये देख रहा होंगे ऑन है पर ये चार्ज नहीं लेता है। तो आपको मैंने बताया था बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट है, 3-4 पार्ट्स जिसे हटाया गया है तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेता है। अभी मैं आपको चार्जिंग केबल मैंने लगा रखा है, यहाँ पे देख रहे होंगे, तो बस ऐसे ही वाइब्रेट करता है ये चार्ज लगाने के बाद, बिल्कुल चार्ज नहीं लेता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका कैमरा वगैरह जो भी है हम इसे हटा लेते हैं, बाहर कर लेते हैं इसको। तो इसको मैंने बिल्कुल हटा दिया है और इसे भी बाहर कर देते हैं। तो वैसे ही IC चेंज करने का हम 500 रुपये लेते हैं, चाहे वो कोई दुकान वाले हो या कस्टमर हो। तो मेरे लिए कस्टमर भी बराबर हैं और दुकान वाला भी बराबर ही पैसा लेता है। तो अभी मेरे पास लाइट कट गया है, तो थोड़ा हम वेट करेंगे, जस्ट कट गया है अभी लाइट, तो बिना लाइट का हम काम नहीं करते हैं। तो थोड़ा हम वीडियो को स्टॉप कर देते हैं तब तक के लिए। तो लाइट्स जो है जो अभी मेरे पास आया है, और सुबह से बारिश हो रहा था तो लाइट्स का प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी आया तो मैं जस्ट अभी काम करने के लिए बैठा हूँ। तो हमें ये IC निकालना है और दूसरा लगाना है, बस सिंपल सी बात है। तो इसको हम निकालेंगे और दूसरा चेंज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसको फटाफट निकालने की तैयारी करते हैं। तो ये IC हमने निकाल लिया है बिल्कुल सेफली, देख रहे होंगे आप, और इसमें बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी तरीके से निकल गया है। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, जूम नहीं, थोड़ा कैमरे के पास ले जाकर दिखाता हूँ आपको। तो देख रहे होंगे इसका बॉल बिल्कुल सेफ है और इसमें रिवॉल्व वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम वो IC निकालते हैं जहाँ से हमें इसको, हम यहीं पे रहने देते हैं। तो ये वाला IC हमें लगाना है और दूसरा यहाँ पे जो हमने निकाला था वो पड़ा हुआ है, और ये IC हमें डालना है। चलिए इसको लगाते हैं हम।
तो अब हम इसको लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा इसको हमें कवर करना होगा क्योंकि यहाँ जले ना। तो इसे हमने चेंज किया था, वो आईसी यही है, ये देख रहे होंगे आप। तो इसमें प्रॉब्लम था बिल्कुल चार्जिंग का, बिल्कुल भी चार्ज नहीं शो करता था। बस आप चार्ज लगाते तो ये सिर्फ ब्लिंक करता था, फ़ोन बिल्कुल ऑन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था फ़ोन में, पर चार्जिंग का कोई नामो निशान नहीं था इस फ़ोन में। अब देखेंगे इसको साफ वगैरह करके चेक करते हैं। तो थोड़ा हम इसको नज़दीक से आपको दिखा देते हैं। तो इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर दिया है और ये जो आईसी है जिसे हमने निकाला था, ये देख रहे होंगे, तो ये भी आईसी पे फ़ोन ऑन था पर ये चार्ज नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में और ये ठंडा हो चुका है करीब करीब, तो इसको हम चेक करते हैं। इसे हमने चार्जिंग पे अब लगाना है। तो बिल्कुल सही हो चुका है, यहाँ पे देख रहा होंगे आप। तो एक बार की मुझे लगा कि ये धुआं मार देगा और यहाँ पे थोड़ा मार भी दिया, ये आप देख रहे होंगे। तो परसेंटेज भी बढ़ने लगा है और इसको मैं थोड़ा, तो ये परसेंटेज भी अच्छी तरीके से पड़ रहा है, देख रहे होंगे आप। तो बिल्कुल सही हो चुका है ये और परसेंटेज भी बन रहा है इसमें। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और फ़ोन को ऑन भी करके आपको दिखा देते हैं। तो फ़ोन ऑन, तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है ये और चार्ज भी ले रहा है। तो थोड़ा हम परसेंटेज बढ़ते हुए देखना चाहते हैं ताकि ऐसा ना हो कि चार्जिंग तो बन गया पर परसेंटेज नहीं बन रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इस फ़ोन पे मेरा नाम लिखा गया है इसके स्क्रीन पे, राकेश जी। वाह, राकेश जी के नाम से फ़ोन भेजा गया है मेरे पास। तो अभी ये 10% है और ये वो आईसी है जिसको हमने चेंज किया। ये भाई साहब काफ़ी ज़्यादा रेडमी के फ़ोन में ख़राब होता है ये, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा वीडियो हम स्टॉप कर देते हैं ताकि परसेंटेज आपको पता चल जाए। आप
तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, अबे जल गया यार, 11% हो चुका है यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही हो चुका है, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओ, हमने टच पैड का ये नहीं लगाया, तो इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं है, पर ये बिल्कुल सही हो चुका है, देख रहे होंगे आप, ये 9, 10, 11% बढ़ चुका है आगे, और बिल्कुल सही ढंग से ले रहा है चार्ज। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिल जाए सबसे पहले, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले। और इसमें ये देख रहे होंगे आप, ये जो हमने आईसी चेंज किया है, ये फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये पावर मैनेजमेंट का आईसी होता है। तो अधिकतर रेडमी के फ़ोन में ये है, और इसमें लाइट, ग्राफिक्स, चार्जिंग, ये सारा चीज़ इसी आईसी में होता है। और अगर रेडमी 4X है, रेडमी 3S है, लाइट चला जाता है, या चार्जिंग नहीं ले रहा है, या ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो सारा इसी का दोष होता है, इस आईसी का। तो थोड़ा मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, तो सारा दोष इसी का होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी को ज़्यादा करके चेंज करने के फोकस करिएगा। और ये ऐसे आप किसी फ़ोन, रेडमी के फ़ोन से निकाल के लगा सकते हैं, इसमें नंबर वंबर का कोई चक्कर वक्कर नहीं है, आप किसी भी फ़ोन से निकाल के लगा सकते हैं, बस रेडमी का होना चाहिए और ये आईसी लगा हुआ रहना चाहिए, नंबर से कोई इसमें इशू नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।